मैंने सीरियल में काम करना क्यों छोड़ा? ये क्वेश्चन आप लोग बहुत मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं फ्रेंड्स, और थैंक यू सो मच। आप ये भी चाहते हैं कि मैं सीरियल में वापस आ जाऊं। अब आगे डेस्टिनी में क्या लिखा है वो तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन आज ये टॉपिक जो मेरे दिल के बहुत करीब है इसके बारे में शेयर करना चाहती हूँ आपसे। और मेरा होल सोल एम ये है कि आपको मोटिवेट करूँ, इंस्पायर करूँ, शायद हो सकता है मेरी सीख से या मेरी गलतियों से आपको भी कुछ सीखने का जो है मौका मिल जाए। हेलो एवरीवन, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेगा फैशन, फूड, फिटनेस और लाइफ, लेकिन सब कुछ सिंप्लीफाइड। अगर वीडियो यूजफुल लगे, अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे बहुत सारे मोटिवेशनल स्टफ के लिए, एक्सरसाइज विद मी के लिए जो क्लासेस मैं लेती हूँ उसके लिए, और साथ में एक्टिंग एक्सपीरियंसेस तो शेयर करती ही रहती हूँ। इतना ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन जहाँ पर मुझे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे, मेरा नाम है गॉड्स ग्रेस, मतलब मेरा फेम मुझे इतना मिला, एक बहुत बड़ी पहचान मुझे दिलाई इस प्रोफेशन ने, आखिर मैंने क्यों डिसाइड किया कि मैं इनडेफिनेट ब्रेक ले लूँगी? हमेशा के लिए ब्रेक लूँगी इसलिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हाँ, सीरियल्स के लिए मना किया है अभी मैंने, और मूवीज़ के लिए नहीं मना किया है, वेब के लिए भी उतना मना नहीं इसलिए किया है कि अगर थोड़ा सा काम होगा तो मैं कर लूँगी, ज़्यादा दिन में नहीं कर सकती। लेकिन मैं डिटेल में आपको इस चीज़ के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था ना, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था कि अभी तो ठीक है, छोटा है, मेरी मम्मी उसे देख रही हैं, नानी है, दादी है, सब खिला पिला देते हैं, पैम्पर करते हैं, सब कुछ चल रहा है अच्छा, लेकिन क्या उसकी पढ़ाई वो देख पाएंगी? और ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे चलता रहता था हमेशा कि क्या पता किसी दिन मुझे छोड़ना पड़े उसके पीछे। क्योंकि क्या होता है, एक बार जब हमारे आगे किसी का भविष्य होता है, जैसे मेरे बेटे का भविष्य मेरे सामने था, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम अपने भविष्य के बारे में सोचें या ना सोचें। हालांकि यही सिर्फ एक रीज़न नहीं था, हाँ ये है कि इसकी मैंने तैयारी शुरू कर दी थी काफ़ी टाइम पहले से। मुझे ऐसा लगा कि ये हो सकता है मुझे किसी दिन ऐसा करना पड़े, तो मैंने सोचा कि अब क्या करेंगे अगर मैंने ऐसा डिसीजन लिया तो। क्योंकि काम करने की आदत है इतने साल से, पैसे कमाने की आदत है, किसी से पैसे मांगने की आदत नहीं है। तो क्या होता है जब अपने पैसे कमा के इस्तेमाल करने की आदत हो, मतलब किसी से मांगने की आदत नहीं हो, चाहे वो आपके कितने भी क्लोज हो, हस्बैंड हो या फिर भाई बहन हो या पेरेंट्स हो, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। आई एम श्योर वर्किंग वुमेन जो है वो इस बात से रिलेट कर पा रही होंगी। तो मुझे लगा कि भाई अपना इंतज़ाम पहले कर लेना चाहिए, तो क्योंकि समय का भी कुछ पता नहीं होता है। तो मैंने तभी जो है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो टॉपिक्स मुझे पसंद थे, जैसे न्यूट्रिशन पसंद था तो मैंने एक सर्टिफिकेशन वाला कोर्स किया, न्यूट्रिशनिस्ट बनी। उसके बाद इमेज मैनेजमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एनहेंस्ड फॉर्म है इमेज मैनेजमेंट, वो लगा मुझे कि बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं काफ़ी हेल्प कर सकती हूँ लोगों की उसके थ्रू, क्योंकि मैं मीडिया में भी हूँ और मुझे एक्सपीरियंस इस चीज़ का भी है और बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो मैंने उसका एक सर्टिफिकेशन वाला कोर्स किया, मतलब एक सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट बनी। प्रैक्टिस उतनी नहीं कर पा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली शूटिंग में बिजी थी। फिर साथ में जो है कहीं ना कहीं YouTube शुरू हो गया। वो कैसे शुरू हुआ मैं बाद में आपको कभी किसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। ये शुरू हो गया, तो ये छोटे छोटे बीज बोने मैंने शुरू कर दिए अपने आगे आने वाले समय की तैयारी के। और फिर जब कोविड आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैंने इतना टाइम अपने बेटे के साथ घर पे स्पेंड किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब जो पढ़ाई हो रही है, जो टाइम है, जो ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, इसे मेरी ज़रूरत है और आगे ज़रूरत पड़ेगी। अगर तो ऐसा ऑप्शन होता कि मैं बिल्कुल मतलब नहीं छोड़ सकती थी काम, तब तो शायद नहीं छोड़ती, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि मैंने तैयारी करके रखी हुई है कि भाई चलो, मैं मानती हूँ कि उतना नहीं अगर मैंने कमाया जितना मैं टीवी इंडस्ट्री में कमाती थी या फिल्म से कमाती थी तो, लेकिन अच्छा ठीक ठाक कर लूँगी अपने लिए काम, और काम करने की आदत है। मेन बात ये हो जाती है, काम करने वाला बंदा जो है वो खाली नहीं बैठ सकता है। लेकिन आपसे कहूँगी मैं फिर भी ये डिसीजन नहीं ले पा रही थी, क्योंकि मुझे वो उतनी पुश नहीं मिल रही थी कि मैं ऐसा कदम उठाऊँ। प्रायोरिटी मेरी बदल चुकी थी। क्या होता है फ्रेंड्स कि लाइफ में हमारी प्रायोरिटीज़ हर एज में बदलती रहती हैं। इस टाइम मेरी प्रायोरिटी मेरा बेटा था, लेकिन फिर भी मैं वो कदम नहीं ले पा रही थी, क्योंकि मुझे अपने प्रोफेशन से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। बड़ा मज़ा आता था शूटिंग करने में, बड़ा अच्छा लगता था। मैंने टीवी में काम करना ये रिश्ते हैं प्यार के जो सीरियल कर रही थी उसके बाद से
छोड़ा, ये डिसाइड किया। कोविड की वजह से डेफिनेटली शूटिंग करनी भी बहुत मुश्किल हो गई थी, लंबे घंटे लगते थे। अच्छा, शूटिंग का क्या था कि बहुत लॉन्ग आवर्स देने पड़ते हैं हमें, 12 घंटे, मतलब अगर मेरे साथ एडजस्ट भी करते थे थैंक्स टू देम तो 8 घंटे 9 घंटे, लेकिन क्या होता है जब जरूरत होती थी तो हम 12 16 18 कितने भी घंटे देते हैं, काम होता है हम ना कर ही नहीं सकते उस टाइम, ऐसी होती है सिचुएशन। हमारा भी डेडिकेशन होता है और हमें नज़र आ रहा होता है काम है तो ना नहीं कर सकते। इतने लॉन्ग आवर्स प्लस ट्रैवल प्लस वो कोविड की वजह से जो है एक सैनिटाइजेशन का चक्कर, नहाना धोना एक्स्ट्रा जो नॉर्मल से भी ज़्यादा होता था वो चल रहा था, और बड़ी सारी चीज़ें हुई, फिर भी मैं नहीं छोड़ पा रही थी फ्रेंड्स, फिर भी मुझे वो पुश नहीं मिल रहा था। फिर जब मैं ये शूटिंग कर रही थी ना, अचानक जो है जब ये सीरियल ख़त्म होने वाला था, अचानक हमें एक दिन इन्फॉर्म किया गया कि ये सीरियल जो है ये रिश्ते हैं प्यार के ख़त्म हो रहा है। बहुत सडन था ये, एकदम से अचानक ही ख़त्म होने लगा था, हमें लगा नहीं था कि इतनी जल्दी एंड हो जाएगा। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट एक्चुअली, और रीज़न भी नहीं समझ में आ रहा था कि अच्छा कर रहा है सीरियल। तो क्या हुआ कि अचानक मुझे एक ख्याल आया मन में, मैंने सोचा लता कितनी भी बड़ी फिल्म में काम कर लो, कितने भी बड़े सीरियल में काम कर लो, अब शायद वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने लिए काम करना है। क्या होता है कि एक एज तक तो हम दूसरे के लिए काम कर पाते हैं, लेकिन हर एज में मन नहीं करता कि हम दूसरे के लिए काम करें, जहाँ पे टाइम की बंदिश हो। हमारे लिए तो छुट्टियों की भी बंदिश होती थी, हमें अनलेस एंड अनटिल हम पहले से बोले छुट्टी नहीं मिलती थी, क्योंकि हमारा सैटरडे संडे कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट अगर बहुत ज़रूरत हो तो त्योहारों पर भी शूटिंग करनी पड़ती है। मुझे ऐसा लगा कि इतने लंबे टाइम जो मैं ज़िंदगी देख रही हूँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये सिर्फ शूटिंग की ज़िंदगी देख रही हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे सपोज बिल्डिंग में पूजा है उसे अटेंड करना है, या कोई कल्चरल एक्टिविटी है उसे अटेंड कर रहा है, ये सब नहीं कर पा रही हूँ। मैं शायद पूरी तरह से जी नहीं पा रही हूँ, और मेरे पास ऑप्शन भी है। और एक स्टेज आ गई थी जब मुझे लगा कि मेरा जो काम है वो थोड़ा सैचुरेट भी हो रहा है, और मतलब सैचुरेशन पॉइंट भी आ रहा था और स्टेल भी होने लगा था। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई चलो एक माँ का रोल अप कर रही हूँ और दूसरी माँ का करूँगी, तीसरी माँ का करूँगी, शायद कुछ और अच्छा रोल भी आ जाता, लेकिन क्या हो रहा है सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। और सैचुरेट हो के जब हम कोई काम करते हैं ना तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता, और वो हमारी शक्ल पर दिखने लगता है कि भाई अब बस हो चुकी है, फिर भी हम काम समझ के इसे कर रहे हैं काम। लेकिन जब तक हम काम को पूरी तरह इन्जॉय नहीं करते हैं ना, तब तक उस काम को करने का फ़ायदा नहीं है। तो मुझे यही लगा कि I wanted to be my own master. मैंने कहा टाइम आ गया है, इतना जो सीखा, इतनी पढ़ाई की, अब जो है उसे इस्तेमाल करना शुरू करो, अपने लिए काम एक बार करके देखो। हमें अपना, ये एक्चुअली टिप है, एक इंस्पिरेशनल टिप, हमें अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना है। जब हम अपना थिंकिंग शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है और हमें किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं रहता है लाइफ में। माइंडसेट को हमें जो है वो शिफ्ट करना है अगर हम अपने दिल का कुछ करना चाहते हैं तो। और मुझे ये भी लग रहा था कि इतना सीखा, इतना करा है तो दूसरों की मदद भी कर सकती हूँ इस चीज़ से, मतलब आई कैन हेल्प अदर्स, तो वाई नॉट, मैं कब करूँगी ये सब दूसरों के लिए, कब कुछ करूँगी, जो सोसाइटी ने जो व्यूअर्स ने इतना प्यार दिया है मुझे, उन्हें वापस कब करूँगी, कुछ तो दूंगी ना उनको इसके बदले में। तो ये चीज़ें सोचते हुए मैंने एकदम जो है अपने काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टफ करना शुरू किया, जिसकी एकदम मुझे प्रोग्रेस नज़र आने लगी, मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे, सेटिस्फैक्शन मिलने लगा, और मुझे लगने लगा कि अब फाइनली ये मेरी प्रायोरिटी है और ये मेरी ज़िंदगी है जो मैं करना चाहती हूँ। फ्यूचर का कुछ नहीं कह सकती फ्रेंड्स, कोई बहुत अच्छी मूवी आएगी तो डेफिनेटली करूँगी। हाँ, मूवी करने का मन करता है क्योंकि दिन कम लगते हैं उसमें और आवर्स भी कई बार कम होते हैं, तो हाँ डेफिनेटली उसका मन करता है। फ्रेंड्स जाइएगा नहीं, बस एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप मेरे लेक्चर से बोर नहीं हो गए होंगे। अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने मतलब जब से शादी होके आई, जहाँ बिल्डिंग रहती हूँ ना, सोचिए इतना काम में बिजी रहती थी, वो तक नहीं देखी थी। और मैंने ये कोविड के टाइम पे रियलाइज़ किया, और उसके बाद मैं रियलाइज़ किया अब कि अरे हमारी बिल्डिंग में बड़ा अच्छा सा गार्डन है, जहाँ मैं आपको वॉक भी कई बार मैं डालती हूँ ना वीडियो स्टोरी वगैरह, वॉक भी कर सकती हूँ और सब लोगों के साथ घुल मिल के, इतने अच्छे लोग हैं, बातचीत कर सकती हूँ, बहुत कुछ होता रहता है। तो क्या होता है कि मुझे इतना रियलाइजेशन भी नहीं था कि हमारे बिल्डिंग में इतना अच्छा गार्डन भी है जिसका मैं जो है मज़ा उठा सकती हूँ, सुबह कभी जाके बैठ सकती हूँ, एक कप कॉफ़ी का लेके पी सकती हूँ, किताब लेके बैठ सकती हूँ, जो मैंने अब खूब अच्छी तरह से उसका मज़ा उठाना शुरू किया। तो वही चीज़ है दोस्तों, बस यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी की खुशी जो है वो बड़ी चीज़ों में है, लेकिन छोटी चीज़ों में भी बहुत है, और अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो इम्पॉसिबल नहीं है, बस माइंड शिफ्ट चाहिए। माइंड शिफ्ट कीजिए और खुश रहिए हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।